ये एसी रूम है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये बेड वगैरह को मेंटेन किया गया इसके साथ साथ। फ्रेंड देखिए, आज हम आपको बिरला धर्मशाला देखिए दिखाने जा रहे हैं, जो कि राम मंदिर के जस्ट सामने 400 मीटर सामने राम मंदिर है। और आपको सामने देखिए ये बिरला धर्मशाला है। देखिए सामने से बिरला धर्मशाला के पास हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो रहने के लिए जो कि व्यवस्था है यहाँ पर सबसे कम व्यवस्था आपको लगभग सबसे कम 300 रुपये का यहाँ का रूम मिल जाएगा आपको रहने के लिए। सामने देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिए पूरा देखिए हरा भरा गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर देखिए इस जगह पे देखिए यहाँ पे देखिए सामने इस जगह पे देखिए इस साइड देखिए यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे देखिए इस साइड में यहाँ जगह देखिए इस साइड में देखिए कितना अच्छा गार्डन बनाया गया है। फ्रेंड अगर आप अयोध्या राम मंदिर आ रहे हैं और रहने के लिए अगर आप व्यवस्था चाहते हैं ढूंढते हैं रूम, तो देखिए ये जो धर्मशाला है इस धर्मशाला पे आपको रहने के लिए यहाँ पर सबसे कम रेंज में मिलेगा रूम। देखिए हम आपको भी दिखा रहे हैं सामने, देखिए अभी सामने राम मंदिर का जो मार्ग है देखिए इस तरफ निर्माण चल रहा है, मात्र 400 मीटर दूरी का है। देखिए सामने यहाँ पर राम मंदिर का मेन मार्ग है, इस साइड में देखिए धर्मशाला जो की है। देखिए साइड में आपको यहाँ पर रहने के लिए देखिए सिया चूल्हा है, देखिए जो कि रसोई है। यहाँ पर आपको खाने के लिए भी व्यवस्था अच्छा है। यहाँ पर देखिए इस जगह पे देखिए यहाँ का देखिए लोकेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिए ग्रीनरी देखिए कितना अच्छा हरा भरा है। रूम देखिए यहाँ का जो बना हुआ है रूम अभी आपको दिखाएंगे पास से। देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे यहाँ का देखिए सीन देखिए कितना अच्छा धर्मशाला ये बनाया गया है। देखिए बाहर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी चल रहे हैं आगे, अंदर में भी दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ से इस जगह पे देखिए। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ धर्मशाला में रहने के लिए देखिए अगर रूम चाहिए तो देखिए यहाँ पे इसका ऑफिस बनाया गया है। इस ऑफिस के पास देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप आइए यहाँ पर आप पूरा व्यवस्था का जानकारी यहाँ पे लीजिए। देखिए यहाँ पे आगे सामने रूम है, अभी रूम को दिखाएंगे। देखिए सामने अंदर में चलिए और देख सकते हैं इसके राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड रूम अवेलेबल है। ये बीच में गैलरी है। चलते हैं आपको दिखाने की एसी रूम कितना बड़ा है और कितने अच्छे फैसिलिटी के साथ है और नॉन एसी किस तरीके से है। जैसे कि सामने भैया आ चुके हैं और चल रहे हैं इस रूम को खोलने के लिए, और चलते हैं आपको दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बना हुआ है। सो मित्रों, जैसा कि हम आ चुके हैं एसी रूम के अंदर, ये एसी रूम है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये बेड वगैरह को मेंटेन किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं एसी लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सेपरेट सेपरेट आपको यहाँ पे एलसीडी मिल जाएगी जो कि टीवी है, और बाकी यहाँ पे आप अलमारी वगैरह है कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया इसको। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक टेबल है। साथ साथ यहाँ पे आपको दिखा दें कि ये इसका जो बाथरूम एरिया है कितने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन रखा गया है, आप देख सकते हैं इसके साथ साथ। और यहाँ पे एक बेसिक ये चीज़ आपको दिख रहा है कि ये ठंडियों के लिए यहाँ पे गीज़र वगैरह भी प्रोवाइड है। और काफ़ी चीज़ ये यहाँ पे देखने के साथ साथ आपको यहाँ देखिए कमोड भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, हर चीज़ यहाँ व्यवस्था है। तो उसके साथ साथ ये भी बता दें कि इस होटल की बात के जो प्राइस के साथ साथ आपको यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा जो कि नीट एंड क्लीन के साथ साथ। और चलते हैं आपको नॉन एसी भी दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से नॉन एसी रूम को मेंटेन किया गया है।